हेलो एवरीवन, वेलकम टू चारूस कॉर्नर चैनल। अगर आपको कद्दू पसंद है लेकिन उसे उसकी सब्जी कैसे बनाई जाती है वो नहीं पता है तो आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान से तरीके से मैं आज आपको कद्दू की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है हमारे खेत का कद्दू है, जो कि बहुत बड़ी साइज़ में है। इसे काटने में बहुत सारी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने उसको बहुत सारी तकलीफ़ के बाद इसे काटा है। लेकिन आप अगर बाहर से मार्केट से अगर कद्दू लेके आते हैं तो मेक श्योर कि आप उसे काट के ही लेके आएंगे, और मार्केट में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कद्दू मिलते हैं। तो ये वाला जो मेरा कद्दू है वो उसकी छाल जो है वो थोड़ी हार्ड है, इसीलिए मैं इसकी छाल हम इसे निकाल के इसकी सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे थोड़ी तकलीफ़ के बाद इसे दो हिस्सों में काट लिया है, और इसके अंदर वाला जो पार्ट है, जो बीज रहते हैं उसके, वो वाला जो पार्ट है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसे लंबे लंबे पीसेस में काट के हमें सारे पीसेस बना लेने हैं, और इसके ऊपर का जो छाल वाला हिस्सा है वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी छाल जो है बहुत हार्ड है, इसलिए हमें इसे निकालनी होगी। लेकिन अगर आपके पास जो छाल होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, ऐसा वाला कद्दू है, तो आप उसको छाल के साथ ही टुकड़ों में काट लीजिए, तो छाल जो है वो पकते समय अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इस तरह से हमें सारी छाल को निकाल लेना है। तो छाल को निकालने के बाद हमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इसके। कद्दू की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, तो दोस्तों इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अभी एक पैन में मैंने ले लिया है ऑयल, ऑयल में डाल दिया है मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से क्यूमिन सीड्स मीन्स की जीरा, और अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को मैंने हाथ में थोड़ा सा ले लिया है, उसे दोनों हाथों से मसड़ के इस तरह से डालेंगे। अजवाइन डालना बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए इसे स्किप ना कीजिए। हल्दी डालने के बाद इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके सौते कर लेंगे। ये सौते हो जाए इसके बाद इसमें डाल देंगे जो हमने कद्दू के पीसेस जो काट के रखे हैं, तो वो सारे कद्दू मिला लेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट एज पर टेस्ट। सॉल्ट डाल के इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मुझे थोड़ी हल्दी कम लगी इसलिए मैं हल्दी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिए। और अभी इसे हम ढक्कन बंद करके इसे पकने देंगे, लेकिन हमें एक दो मिनट के बीच बीच में हमें इस तरह से ढक्कन को खोल के इस तरह से हमें चलाते रहना है, क्योंकि नीचे से अगर चिपक जाएंगे तो जल जाएंगे। तो हमें ये प्रोसेस दो तीन चार बार मैंने करके इस तरह से देखी, हमारी कद्दू की सब्ज़ी अच्छी तरह से गल चुकी है और ये रेडी हो चुकी है। तो मैंने इसे बाजरे की रोटी के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो पराठा या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से कद्दू की सब्ज़ी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू।